क्या हाल चाल मेरे सिर, कैसे हो आप सब लोग, केम छो दादा। तो आज तो टाइटल और थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं सुस्त मूड का कुछ काम करने वाला हूँ, वो भी एक बड़ा काम करने वाला हूँ। वो बड़ा काम करते ही हम एकदम पुअर से एकदम अमीर बन जाएंगे। तो चलो लेट्स गो, चलो मेरे साथ, आप भी चलो, चलो लाइक मार दो, ठोक दो, इसी बात पे लाइक ठोक दो। तो हम काफ़ी गरीब है, तो हमें था ना कुछ न भी करके अमीर होना है। हम विलेजेस लेके आ चुके हैं, हमारे पास सब कुछ है, एमरेड भी है। मैंने हम ग्राइंड करेंगे पूरे जितने भी होंगे उतने अनलिमिटेड एमरेड भी इकट्ठा कर लेंगे। और आज के वाले वीडियो में हम एकदम अनलिमिटेड रिच पर्सन बन जाएंगे इन माइनक्राफ्ट। तो देखते हैं यार वीडियो में क्या होता। तो सबसे पहले तो देखो अब मॉर्निंग हो चुकी है, तो सबसे पहले हम मॉर्निंग में काम करते हैं, बदुड़ी को खाना खिलाना होता है। तो हम सबसे पहले जाएंगे अपने चेस्ट में से उठाएंगे अपना व्हीट, वीट उठा के सबसे पहले तो हम अपनी बदुड़ी को खाना खिलाएंगे। में जाके हम अपना वीट उठाएंगे, इधर से हम अपना वीट उठाते हैं, वीट उठा के हम अपनी बदुड़ी को खाना खिलाते हैं। तो इधर से अपना वीट उठाते हैं और अपनी बदुड़ी को खाना खिलाते हैं। अपने पास तीन तीन देखो बदुड़ी भी आ चुकी है। एक मतलब अपनी एक बदुड़ी को मतलब अच्छा ना लगे, अकेला अकेलापन ना लगे, इसके लिए हम उसके दो पार्टनर भी लेके आ चुके हैं। तो चलो उसको खाना खिलाते हैं और वो अपने आप में ही रोमांस स्टार्ट कर देंगे। वो अपनी एक वो बदुड़ी रह गई थी उसको भी खाना खिला देते हैं। वो एक नया मेंबर भी आ चुका है हमारे इधर, और सबसे पहले उनको भी खाना खिलाते, सबको खाना खिला देते, अपने पेट्स को, अपने पिंकू को, अपने शेर को, सभी को खाना खिला देते हैं सबसे पहले। को हमने अपने पेट्स के पेट भर दिए हैं, तो अब अपना काम है हमारा पेट भरने का। हमें अब बनना है रिच पर्सन इन माइनक्राफ्ट। तो चलो बदुड़ी अपने पास सामने ही दिख रही है, लेकिन सबसे पहले उसको भी खाना खिला देते हैं। चलो और वीडियो को आगे की तरफ स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फाइनली मैं अपने एमरेट्स लेके आ चुका हूँ। तो अपने विलेजेस भी रेडी है, मैं रेडी हूँ, आप रेडी है। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, कौन से वाले विलेजेस को हम सबसे पहले अमीर बनाते, इसको ही बनाते। चलो इसके पास से हमें मिलेगी सब टूल्स मिलेंगे, तो इसको ही अपने जितने भी है ढेर सारे अपने पास अनलिमिटेड है। मैं पूरी ग्राइंड करके आया हूँ 10 घंटे एमरेट इकट्ठा करने में। तो जितनी भी हो सकती उतनी अपनी एक्स ले लेते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ हमें ये आयरन से भी कुछ मिल रहा है, वो ले लेते हैं। आयरन से हमें उसकी ज़्यादा लेवल बढ़ रहा है तो हम उसका यूज़ करेंगे। और ये बेल से शायद ओछा कम, ओ भाई साहब इंचेंटेड एक्स। रुको सबसे पहले तो ये जो कूड़ा है वो मैं सबसे पहले निकाल देता हूँ और अपनी ओके इसने तो ये तो कम कर दिया है। ओके बेल ही हम यूज़ कर दे तो ओके आयरन से वो ज़्यादा, लेकिन अपने आयरन खत्म हो चुके। कोई नहीं, अपने पास तो फर्नेस में है काफ़ी ज़्यादा। तो सबसे पहले इधर से जितने भी अपने सामान है वो पहले इकट्ठा कर लेते हैं और उसको भी हम एक नई चेस्ट में साइड में रखते आएंगे, क्योंकि इसको एक साइड में ही रखेंगे। और ऊपर से पहले सबसे पहले मैं देखता हूँ नीचे की तरफ सवल मिल रही है हमें डायमंड की, तो मैं पहला सबसे पहला टारगेट होगा वो सवल। तो चलो सबसे पहले तो मैं अपना जो भी कूड़ा है वो इधर निकाल लेता हूँ और चलते हैं। सबसे पहले एक नई चेस्ट बना लेते हैं, इसके साथ नहीं रखना है इसमें। सबसे पहले मैं अपने प्लैंक्स उठा लेता हूँ। ओके ये वाली चेस्ट में प्लैंक्स पड़े हैं, ये प्लैंक्स उठा लेता हूँ, इसका बना देता हूँ क्राफ्टिंग। मतलब इसके हम प्लैंक्स ले लेते हैं, प्लैंक्स की हम चेस्ट बना लेते हैं और चेस्ट को सबसे पहले इधर की तरफ रखते हैं। इसके अंदर अपने जितने भी हम इधर इकट्ठा करेंगे सामान होंगे, अपने जो फूड होगा जो भी होगा वो सब कुछ इधर रखेंगे हम अपना। और एमरेट्स तो मेरे पास ही रखूँगा क्योंकि हमें ग्राइंड भी करनी है। और सबसे पहले मैं साथ में आयरन भी ले लेता हूँ क्योंकि आयरन से उसके ज़्यादा लेवल अप हो रहा है, इसके लिए आयरन ले लेते हैं जितने भी फर्नेस में वो सब। ओके सभी की सभी आयरन ले लिए, तो इधर से हम सबसे पहले अपनी ग्राइंड स्टार्ट करते हैं। ओके भाई साहब हो जा। ओके ओ अरे ओके सवल मिल चुके, उसके नीचे भाई साहब पिकेक्स भी है। ओ भाई साहब अनब्रेकेबल 2, वो भी गोल्डन सवल के साथ। भाई गजब। सबसे पहले इसको तो हमने देखो लेवल अप कर दिया है, अब तो लेवल अप शायद थोड़ी देर के बाद ही होगा। ओके इसको इधर रखते हैं, अब इसकी बारी करते हैं। ये हमें क्या दे रहा है? ओके ये तो हमें ब्लॉक्स दे रहा है, इसको हम बाद में इससे हम अपनी राइडिंग करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बाहर वाले विलेजेस के पास चलते हैं। रुको सबसे पहले इधर, अरे भाई साहब इधर मैंने इनके लिए ये गेट बनाया है कि ये इधर से आ जा सके इसके लिए, लेकिन सबसे पहले बाहर चल के देख लेते हैं। ओके इधर भी हम कुछ कर देते, ऐसा करते ये वाले बेड है दोनों हटा देते इधर से। ओके देखता हूँ पहले निकल सकता हूँ। ओके दोनों के दोनों मुझे निकालने पड़ेंगे, तो ये येलो वाला भी निकाल देता हूँ और इसके बाहर
और इसके बाद मुझे आयरन गोलम भी रखना पड़ेगा क्योंकि अपने विलेजर्स की हमें सुरक्षा भी साथ में करनी पड़ेगी। इसके लिए सिक्योरिटी तो चाहिए। और इधर सिक्योरिटी की बात की और हमने इधर से देखो वो मिल रही है, वो उठा लेते हैं जितने भी होते हैं उतने। ओके भाई सब, अब इसको ट्रेडिंग नहीं करते हैं। तो कोई नहीं, रुको, अपना जो कूड़ा है वो सबसे पहले रख देते हैं और अपने एमरेट्स थे वो ले लेते हैं। ओके एमरेट्स मैंने ले लिए। तो अब अपने जो मेन है, मेन दोनों फार्मर है, उन फार्मर को लूटते हैं। इन दोनों को तो मुझे मैक्स लेवल पे करना है, लेकिन सबसे पहले मैं अपना सामान रख के आता हूँ। ये वाली चेस्ट में हम अपना सबसे पहले जितना भी बो है वो सब सामान रख देते हैं। ओके फाइनली मैंने अपना सामान रख दिया। ओके ये वाला क्या दे रहा है हमें? ओके ये तो हमें ब्लॉक दे रहा था। और ओके इन सब को हम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने फार्मर के लिए कुछ कर लेते क्योंकि फार्मर हमें फूड देता है। फूड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अभी सर्वाइवल वर्ल्ड में, इसीलिए सबसे पहले इनको ही हम अपग्रेड करेंगे। ओके ये तो अभी दो मिनट में चुटकी में हो जाएंगे। देखो ये एप्पल दे रहे हैं, ब्रेड दे रहे हैं और नीचे की तरफ क्या दे रहे हैं, पम्पकिन है जैसा, नहीं कुकीज़ है। कुकीज़ में हमें काफ़ी ज़्यादा फूड लेवल करता है। इधर केक भी काफ़ी ज़्यादा का। ओ भाई साहब देखो 5-10 सेकंड में हमने पूरा पूरा अपग्रेड मार दिया। अब दूसरे वाले विलेजर्स को भी इसी तरीके से हम अपग्रेड कर देते हैं। वो तो मैंने अपग्रेड कर दिया, इधर से भी मैंने ये विलेजर्स को अपग्रेड कर दिया। अब सबसे पहले मुझे नई चेस्ट बनानी पड़ेगी, तो चलो इधर से एक दो चेस्ट ही बना लेता हूँ और ये चेस्ट को हम बना के रखते हैं इधर की तरफ। इधर की तरफ अपने जितना भी फूड मैंने इकट्ठा किया है, कुकी से, एप्पल से, ब्रेड से, वो सभी को मैं ये वाली चेस्ट में रखूँगा। तो ये वाले विलेजर्स अब ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इधर से ट्रेडिंग कर लेते हैं। ओके ये वाले वो पावर टू और अनब्रेकेबल वन, वाह 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 वाह, ये तो हमें लेना ही पड़ेगा भाई साहब, ये तो लेना ही पड़ेगा। ओके ये देखो अपने तीनों की तीनों फार मतलब अपने तीनों की तीनों विलेजर्स मैक्स लेवल के हो चुके हैं। इनको भी, इनसे भी हम अपने जितनी भी है वो ट्रेडिंग कर ले, तो इसको भी हम मैक्स लेवल का बना लेते हैं। फाइनली मुझे इन लोगों के लिए अपने आप से ही मुझे आयरन कॉलम बनाने पड़ेंगे क्योंकि रात में काफ़ी ज़्यादा फसड़ हो जाती है, सब लोग बाहर की तरफ निकल आते हैं, तो मुझे इधर की तरफ आयरन कॉलम बनाने पड़ेंगे। तो इधर नीचे की तरफ अपने सबसे पहले लगते हैं दो आयरन रखते हैं और उसके साइड में दो आयरन रखते हैं और राइट में और लेफ्ट में ऊपर की तरफ रखते हैं अपना पम्पकिन इधर की तरफ। ओके अपना फर्स्ट आयरन गोलम तो रेडी हो चुका है, इसी तरीके से दूसरा आयरन गोलम भी बना लेते हैं। तो फाइनली अपने दोनों आयरन गोलम भी रेडी हो चुके। तो आज के वाले वीडियो में इतना रखता है। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद है तो लाइक मारो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच अभी जितना भी आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए मैं गिव अप नहीं करूँगा। मैं इसी तरह लगातार वीडियो बनाते रहूँगा। वीडियो व्यूज़ आएंगे नहीं आएंगे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अच्छा लगता है वीडियो बनाना। थैंक यू सो मच आप भी सब लोग मेरे दोस्तों, थैंक यू सो मच।